हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नू गाइडेंस में। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे हैं या नहीं? कल का पेपर कैसे गया? कुछ लोग कह रहे थे कि पेपर अच्छा नहीं गया है BSOC 134 का, बिकॉज क्वेश्चन बहुत टफ थे, कहाँ से पूछे गए थे। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जो क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट में बताया था, और खास तौर पे जो मॉर्निंग में मैंने लाइव क्लास ली थी, 4 या 5 4 क्वेश्चन उसी से आए थे। तो कैसे आपसे पेपर नहीं बनता? मैं एक बार, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखती हूँ, आपको बताती हूँ कि आखिर ऐसे कौन से क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जो रिपीट हुए हैं, जो आए हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। सामाजिक सोच से आप क्या समझते हैं? कॉमन सेंस से किस प्रकार अलग है? सामान्य ज्ञान और व्यवहार ज्ञान, मैंने दो ज्ञान आपको एक बार नहीं 10 बार पढ़ाया था और बताया था कि इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। कॉमन ज्ञान देखिए, कॉमन सेंस, जो सामान्य ज्ञान व्यवहार ज्ञान होता है वो कॉमन सेंस यहाँ पे होता है, ठीक है। सामाजिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न मूल तत्वों की चर्चा कीजिए, ये भी पढ़ाया था। सामाजिक शोध में सामाजिक वस्तुनिष्ठता पर आधारित, हाँ, कार्ल पॉपर्स के दृष्टिकोण की व्याख्या नहीं की थी, लेकिन समाज शोध में सामाजिक वस्तुनिष्ठता, यदि हमने कहा था कि यदि आपको कोई भी टॉपिक एक आती, ये आप लोग भी BPSC वाले भी देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे कार्ल पॉप के बारे में आपको नहीं पता, जिसका दृष्टिकोण पूछ रहा, नजरिया पूछ रहा, उसका नहीं पता, लेकिन सामाजिक शोध आपको पता है। सामाजिक शोध में वस्तुनिष्ठता क्या होती है ये आपको पता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है ये आपको पता है, तो आप 100% उसको लिए। फिर रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी यानी प्रतिवर्तिता, बार बार कहा था कि गोल्डनर का दृष्टिकोण पूछेगा, देखिए गोल्डनर का दृष्टिकोण पूछ भी लिया। रिफ्लेक्सिविटी यानी प्रतिवर्तिता क्या होती है, प्रतिवर्तित करना, दर्शाना, ठीक है ना। आप कहते कि पेपर अच्छा नहीं आया था, बहुत अच्छा पेपर आया था, कैसे आपसे नहीं बना, मेरे समझ में नहीं आया, या आपने मेरी क्लास अटेंड नहीं की, आपने वीडियो नहीं देखा। देख लीजिए, समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान में निगमन, चलिए निगमन की उपयोगिता हमने नहीं बताया। नृजाति पद्धति शोध की विशेषता, नृजाति पद्धति और नारीवाद, मैंने बार बार कहा था कि नृजाति को मत छोड़िएगा, नृजाति से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और नारीवाद को भी कहा था, नारीवाद से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। परिमाणात्मक शोध की विशेषता, अप्रयोगात्मक शोध की विशेषता, मॉर्निंग की लाइव क्लास में ही बताया था। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है, तो फिर यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो BPSC स्टूडेंट के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मैं कहती हूँ, जिस क्वेश्चन को मैं बोलती हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस टॉपिक को मैं कहती हूँ, जिस यूनिट को मैं कहती हूँ, तो उसे 100% आपको घोट लेना, ये आप समझ लीजिएगा, वरना पेपर आपसे नहीं बनेगा। चलिए शुरू कर देते हैं BPSC 133 का। यहाँ पर आज ब्लॉक 3 ले लेते हैं, ब्लॉक 3 में यूनिट 6 ले लेते हैं, संघी और एकात्मक व्यवस्था। इसके पहले हमने देखा था राष्ट्रपति व्यवस्था, शक्ति विभाजन, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलूं उसे तो आपको समझना ही समझना है, करना ही करना। और ये मेरा अभी तक का रिकॉर्ड रहा, मैं अपनी तारीफ नहीं करती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ और आप पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, जो मैं बोलती हूँ उसे आप सुनते हैं, और इसके बाद यदि आप पेपर देते हैं तो 100% आप पाते हैं कि मैं जो क्वेश्चन बोलती हूँ, 4 या 5 क्वेश्चन 100% उसमें आते हैं इंपॉर्टेंट में, तो ये हो ही नहीं सकता। तो आपने नहीं पढ़ा, यानी आपने वीडियोज को नहीं देखे, आपने ध्यान नहीं दिया, वो आपकी गलती है, आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाए। एक और चीज भी होती है, क्वेश्चन को ना समझ पाना, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बार बार बोलती हूँ कि यदि आपको ये, मतलब आपको लगता है कि ये चीज आपको पता है लेकिन इससे रिलेटेड है या नहीं है, कहीं पे कंफ्यूजन होता है, तो आप कंफ्यूजन को साइड में रख दीजिए और उस चीज को आप वहां पे लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, संघीय और एकात्मक व्यवस्था देख लेते हैं, ठीक है। संघीय और एकात्मक व्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सरकारों को संघीय और एकात्मक प्रणाली में केंद्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय शासन के बीच शक्तियों के विभाजन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी जो संघीय और एकात्मक प्रणाली होती है, ये एक तरह से शासन का जो शक्तियां होती है उनको विभाजन करने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, परिचय से लेते हैं, परिचय से लेने की जरूरत नहीं है, संघी व्यवस्था को पहले समझ लेते हैं कि आखिर संघी व्यवस्था है क्या, ठीक है ना। ओके, तो देखिए, सरकार के संघी रूप में अंतर्निहित मूल अवधारणा है, और ये राज्यों का वैयक्तिक अस्तित्व मानती है और उन्हें एक संघीय राजनीति में बांध कर रक्षा, विदेश नीति, वाणिज्य, संचार आदि के क्षेत्र में लाभान्वित करती है। तो जो संघीय रूप होता है, जो संघीय रूप होता है, वह राज्यों को, राज्यों का मतलब यहाँ पे ऑलवेज आप देश से समझिएगा, ठीक है ना। यही आपका पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, पॉलिटिकल साइंस कहलाता है, कि यहाँ पे वर्ड कुछ ऐसे यूज हुए होते हैं कि अगर हम अपना सेंस लगा लें तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो राज्य को समझिएगा, ठीक है।
तो देखिए संघीय रूप होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं अपने उसमें समझा दूं आपको, तो यह सरकार का एक ऐसा रूप होता है जिसमें मैंने कहा ना कि शक्ति का विभाजन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, कि इसमें शक्ति का विभाजन होता है। और शक्ति का विभाजन किन लोगों में होता है, तीन लोगों में होता है। एक केंद्र सरकार हो गई, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी राज्य सरकार हो गई, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे जो क्षेत्रीय सरकारें होती, क्षेत्रीय सरकारों का मतलब जैसे पंचायत वगैरह हो गई, पंचायती राज वगैरह व्यवस्था हो गई, जो सरकार इस तरह की होती है, इनके अंतर्गत होता है। तो सरकार का वह रूप जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्र सरकार, राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है, वो संघीय व्यवस्था कहलाती है, ठीक है ना। और जो संघवाद, संघीय व्यवस्था होती है, संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है, क्योंकि उसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है, ठीक है ना। अब इसको चलिए हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं कि संघीय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, कहाँ से ये आया। तो 18वीं शताब्दी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार का पहला संघीय रूप अस्तित्व में आया, जब अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध में 13 उपनिवेश ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण से मुक्त हो गए थे। 18वीं शताब्दी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय रूप अस्तित्व में आया था। और जब अमेरिका में युद्ध हुए थे, तो उसमें 13 जो ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य थे, वो ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण से, जो 13 उपनिवेश थे वो ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण से, यानी उनसे मुक्त हो गए थे। यानी ब्रिटिश ने जहां 13 जगहों पे कब्जा करके रखा था देशों पे, वो राज्य देश उनसे अलग हुए थे। और उन्होंने पहली बार एक संघ, परिसंघ की स्थापना की। तो परिसंघ जो था, उस वक्त की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त साबित हुआ। यानी जो परिसंघ की स्थापना हुई, तो वहां उस वक्त की जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा साबित, मतलब पूरा नहीं कर पाया आवश्यकताओं को। तो यहाँ पर 1789 में राज्यों के प्रतिनिधियों ने एक सम्मेलन में एक साथ मिलकर संघीय संविधान का मसौदा तैयार किया, यानी संघीय संविधान को तैयार किया, एक प्रारूप तैयार किया। और राज्यों ने केंद्र में सरकार का एक ढांचा तैयार किया और इसे कुछ विशिष्ट शक्तियां दी, जो स्वयं के साथ अवशिष्ट शक्तियों को बनाए रखती थी। तो राज्य ने एक ढांचा तैयार, एक मसौदा तैयार किया सम्मेलन में, ठीक है ना। और यहां पर राज्यों ने केंद्र में जो सरकार होती है उसका एक प्रारूप बनाया, एक ढांचा, एक मॉडल बनाया, और उसको कुछ विशिष्ट शक्तियां दी, यानी कुछ शक्तियां दी और कुछ शक्तियां उन्होंने अपने पास भी रखी। तो ये संविधानवाद के वर्षों में आई संघीय राजनीति का एक मुख्य मॉडल बन गया, ठीक है, जो आगे चल के संविधान में संघीय राजनीति का मुख्य मॉडल बना। तो अमेरिकी राज्यों ने एक संघीय सरकार की स्थापना के लिए एकजुट होते हुए उनके हितों की रक्षा के लिए केंद्र या संघीय सरकार की शक्तियों का संरक्षित करने का ध्यान रखा। यानी कि जो अमेरिका की सरकार है, उसने संघीय सरकार की स्थापना तो कर ली, और उनके हितों की रक्षा के लिए भी उसने संघीय सरकार की शक्तियों को क्या किया, अपने पास रखा, यानी कि संरक्षित रखा। संरक्षित का मतलब उसको सेफ रखा, ठीक है। जो सीनेट संघीय विधायिका एक अंग है, और जिसमें राज्यों के समान प्रतिनिधित्व दिया गया, तो राज्यों को भी यहाँ पर समान जगह दी गई है सीनेट और संघीय विधायिका में, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में होता है कि जितने भी राज्य होते हैं वहाँ के एक एक मेंबर वहाँ चुन के आते हैं राज्यसभा में, ठीक है। तो उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि संविधान में 2/3 राज्यों की सहमत के बिना संशोधन नहीं होगा। तो संघीय व्यवस्था कितना महत्वपूर्ण मान लिया कि संविधान में यदि कोई संशोधन भी किया जाता है, तो राज्य के 2/3 सदस्यों की वहां पे परमिशन जरूरी है। देखिए सोचिए, इतना इंपॉर्टेंट है संघीय व्यवस्था। और ये समय माना जाता था कि एक राज्य और संघीय सरकार के पास दोहरी संप्रभुता है। यानी कि यहाँ पर ये माना जाने लगा कि अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी गई कि सरकार तो केंद्र चला रही है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकार है वो राज्यों को दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये माना जाता था कि राज्य और जो संघीय सरकार है, जो स्टेट की और जो संघ की, यानी कि जो केंद्र की सरकार है, इनके पास दो शक्तियां हैं। और यह मामला एक संकट पर पहुंच गया, और संकट पर पहुंचना स्वाभाविक था। और वो तब पहुंचा जब दक्षिण के कुछ राज्यों ने अपनी संप्रभुता का दावा कर दिया और गुलामी के सवाल पर अलग हुए। तो गृह युद्ध के बाद हमेशा के लिए सभी ने निर्णय किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों का। अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। सो जो राज्य अविनाशी, विनाशी यानी जो लुप्त हो गए हैं, जिनका नष्ट हो गया, लेकिन जो राज्य नष्ट नहीं हुए, आई थिंक, तो जो राज्य है उनका एक संघ है, उनकी सरकार है। तो यहाँ पर इतना पढ़ लेते हैं कि किस तरह से इसका विकास हुआ, ठीक है ना। ओके, अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि
अब अमेरिका का तो पढ़ लिया ना, तो अब थोड़ा सा अमेरिका के विपरीत पढ़ लेते हैं, जहां स्वतंत्र राज्यों ने एक संघीय राजनीति स्थापित करने के लिए एक साथ आने के लिए सहमत व्यक्त की। भारत में यह संघ या केंद्र के राज्यों या प्रांतों में शक्ति का हस्तांतरण का मामला था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने रियायतों सहित एक महासंघ की स्थापना का प्रयास किया। भारत के बारे में पढ़ लीजिए, संघीय व्यवस्था क्या है, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि भारत की संघीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, समझाइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा हुआ राज्य और केंद्र सरकार और क्षेत्र सरकार के बीच में, ठीक है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि संघ और केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का हस्तांतरण, क्योंकि अब दोनों को आधी आधी शक्तियां तीनों क्षेत्रों में विभाजित होनी थी, तो शक्तियों का हस्तांतरण होना, हस्तांतरण का मतलब आधी आधी जाना। तो उन्होंने क्या किया था कि 1935 में जो जितनी भी रियासतें हुई थी, क्योंकि पहले भारत आजाद नहीं था, 1935 की बात है, तो रियासतें हुआ करती थी, राजा लोग शासन किया करते थे, एक तरह से अंग्रेजों ने उनको छूट दे के रखी थी। तो यहाँ पर महासंघ की स्थापना की और रियासतों की निरुत्साहित प्रतिक्रिया और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के कारण संघीय प्रावधानों को केवल आंशिक रूप से लागू किया गया। तो जब रियासतों ने कोई उसमें उत्साह ही नहीं दिखाया, ठीक है ना, और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया, तो यहाँ पे उसको कुछ ही आंशिक रूप से, मतलब कुछ ही रूप में लागू किया गया, पूरा लागू नहीं किया गया संघीय व्यवस्था को। 1947 में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने देश की सांस्कृतिक और जाति विविधता को ध्यान में रखते हुए संघीय मॉडल को अपनाया और रियासतों को एकीकृत किया गया और बाद में राज्यों को भाषाई जाति आधार पर पुनर्गठित किया। तो 1947 में जब हमें आजादी मिली, तो आजादी के बाद क्या किया गया कि जो राज्य थे, जो कि राजाओं के हिसाब से जाने जाते थे, उनको रियासत कहा जाता था, उनको इन्होंने इकट्ठा किया, यानी कि जो रियासतें होती थी उनको राजा का जो अधिकार होता था उन्होंने उसको बंद कर दिया और सभी राज्यों को उसको राज्यों में डिवाइड कर दिया, और राज्य जितने भी होते थे राज्यों के भाषा के आधार पर और जाति के आधार पर उनका गठन कर दिया गया, ठीक है ना। तो संघीय व्यवस्था के विकास के उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शक्ति वितरण या साझाकरण की विभिन्न श्रेणी के आधार पर विभिन्न प्रकार की संघीय व्यवस्थाएं हैं। पहले तरह की संघीय प्रणाली जब राज्य की संप्रभुता में हिस्सेदारी होती है और वे विचार पूर्वक के एक संघ निर्मित करने के लिए एक साथ आते हैं। तो पहली तरह की संघीय प्रणाली क्या होती है, जब राज्य की संप्रभुता में हिस्सेदारी होती है, ठीक है, और ऐसे मामलों में क्षेत्रीय सरकार को केंद्रीय सत्ता से काफी हद तक स्वायत्तता और स्वतंत्रता मिलती है। जो सबसे नीचे के तबके की जो क्षेत्रीय सरकार होती है, रीजनल जो गवर्नमेंट होती है, उनको केंद्र सरकार से बहुत आजादी मिली हुई होती है, और इस प्रकार की संघीय व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। और दूसरी तरह तब होती है जब एक विशेष राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं प्रकृति में संघीय होती हैं। अभी हमने क्या देखा कि पहली संघीय प्रणाली में राज्य की संप्रभुता की हिस्सेदारी होती है, ठीक है, राज्य की संप्रभुता में हिस्सेदारी होती है, जहां पे क्षेत्रीय सरकार केंद्रीय सरकार से स्वतंत्र होती है, अलग मिलती है, ठीक है ना, काफी हद तक। और दूसरी जो व्यवस्था हम देख रहे हैं वो क्या होती है, जब एक विशेष राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता प्रकृति में संघीय होती है, यानी कि मजबूत केंद्रीकरण की प्रकृति के साथ। तो उदाहरण के लिए भारत में जो एक पूर्ण सहमति व्यवस्था के आधार पर नहीं बना और जहां केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन के बावजूद केंद्र प्रमुख शक्ति अपने पास रखता है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो केंद्र है वो पूरी शक्ति अपने पास रखता है, केंद्र के परमिशन के बगैर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राज्य कर सकता है, ठीक है ना, वहां पे कोई भी कानून नहीं बन सकता, कोई भी कानून, कोई भी लॉ पास नहीं हो सकता कुछ शक्तियों को छोड़ करके। तो यहाँ तक कि राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र को उनकी सहमति के बिना परिवर्तित कर सकता है। तीसरा, यानी कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र, यानी राज्यों का जो एक क्षेत्र विस्तार फल होता है उसको परिवर्तित कर सकता है राज्यों की सहमति के बिना भी, ठीक है ना। तीसरा क्या है, विकेंद्रीकृत संघ है, यानी जो मुख्य रूप से एकात्मक होने के बावजूद उसकी विभिन्न उपराष्ट्रीय इकाइयां हैं। तो विकेंद्रीकृत यानी कि शक्तियों का हस्तांतरण धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर जाना, एक व्यक्ति के हाथ में न रहना। केंद्रीकृत यानी एक व्यक्ति के हाथ में रहना, एक मुख्य केंद्र होना, और विकेंद्रीकृत का मतलब होता है जब शक्तियों का डाइवर्शन कर दिया जाए, शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए, जैसे केंद्र सरकार के पास पूरी शक्तियां नहीं होती हैं, वो राज्य सरकार के पास होती है, फिर राज्य सरकार अपने निचले तबके को, यानी क्षेत्र जो गवर्नमेंट होती है, पंचायत होती है, क्षेत्र जो रीजन्स होते हैं उनको वो दे देती है अधिकार। तो ये होता है विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया भारत के संदर्भ में भी हमने संघीय प्रणाली देख ली, ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम यहां पर देख लेते हैं संघवाद। संघवाद जैसे वही चीज है, संघवाद यानी संघवाद और संघीय प्रणाली एक ही चीज होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो इसकी अब हम विशेषताएं देख लेते हैं।
देखिए संघवाद जो होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो शक्ति का विभाजन पहले इसकी विशेषता हो जाती है, सबसे पहला काम इसमें होता ही है, इसको इसीलिए इसके नाम से जाना जाता है। तो शक्ति के विभाजन का तरीका क्या होता है, तो इसका विभाजन का तरीका और विभिन्न व्यवस्थाओं में भिन्न होता है, यानी कि हर एक व्यवस्था में शक्ति विभाजन अलग अलग होती है। जैसे एक संघवाद की प्रमुख विशेषता संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन है, ठीक है, संघवाद की मुख्य विशेषता होगी ना शक्ति का विभाजन, किसके बीच, राज्य और केंद्र सरकार, यानी संघीय भी कह सकते हैं आप, केंद्र भी कह सकते हैं। यह उन विषयों को निर्दिष्ट करके प्राप्त किया जा सकता है जिन पर संघीय या केंद्र सरकार का अन्य अधिकार क्षेत्र और राज्यों के साथ अवशिष्ट शक्तियों को बनाए रखा जा सकता है। तो जो ये विषय है इनको, यानी क्या विषय है, शक्ति के विभाजन को, ये केंद्र सरकार जो है अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है और साथ ही साथ में राज्यों के साथ शक्ति को बनाए भी रख सकती है। दोनों यहाँ पे व्यवस्थाएं होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो सीनेट है वहां पे राज्यसभा के राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनका कम से कम 2/3 बहुमत किसी भी चीज को, कानून को पास करने में जरूरी होता है। तो राज्य को भी एक अधिकार दे दिया गया है कि राज्य के लोग भी है इसमें बिल बनाने में वहां पे कानूनी रूप से मदद करेंगे, इसीलिए बार बार संयुक्त राज्य अमेरिका का यहाँ पे जिक्र किया जाता है। तो एक और तरीका यह है कि केंद्र और राज्य दोनों को आवंटित विषयों को निर्दिष्ट कर दिया जाता है और दिए गए विषयों को केंद्र की सूची में उल्लिखित नहीं किया जाता, यानी कि देखिए सब्जेक्ट विषय होते हैं, अब आगे चल के आप पढ़ेंगे, केंद्र और राज्यों को दिए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सूची में सम्मिलित हो। जैसे उदाहरण के लिए भारत, कनाडा, बेल्जियम, केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां दी जाती हैं और भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के अधीन विषयों को निर्दिष्ट करने के अलावा एक समवर्ती सूची भी प्रदान करता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार क्षेत्र होता है। तो हम पढ़ेंगे समवर्ती सूची, आपको पता है क्या होती है, ठीक है ना, तो एक समवर्ती सूची भी होती है संघीय व्यवस्था के अलावा, विषय सूची अलग होती है, समवर्ती सूची यहाँ पे अलग होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला होगा शक्ति का विभाजन, फिर दूसरी विशेषता क्या हो गई, लिखित संविधान। अब यहाँ पर केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन होता है तो सुबद्ध प्रकृति में है, यानी एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, ठीक है, तो अतः इसे लिखित रूप दिया जाना आवश्यक है। भाई अगर शक्तियां दी गई हैं, जब तक आप लिखित रूप में नहीं दोगे तो कैसे यकीन किया जाएगा कि आपने मुझे ये शक्तियां दी हैं, ओरली कह देने भर से तो काम नहीं चलेगा ना। तो एक संघीय व्यवस्था उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है जिन पर केंद्र और राज्यों का अधिकार क्षेत्र होता है, और इसका तात्पर्य है कि केंद्र और राज्य दोनों ही संविधान से अपनी शक्तियों को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एक लिखित व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र और राज्य अपनी शक्तियों को संविधान से प्राप्त करते हैं, और संघीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य और केंद्र से बड़ा संविधान होता है, हम सबको पता है, संविधान जो कहता है वो मानना पड़ता है सबको, सरकार को भी मानना पड़ता है, सरकार से भी बड़ा संविधान होता है। तो प्रत्येक जो शक्ति कार्यकारी विधायी, चाहे वो न्यायिक हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो केंद्र से संबंधित हो या राज्य के अधीनस्थ हो, वे संविधान द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है ना। तो कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई भी फैसले निर्णय लिए जाते हैं, अगर कोई उसके खिलाफ है, कोई उससे सहमत नहीं है, तो संविधान जा सकता है और उस पे संविधान जो अपना निर्णय लेगी सॉरी, वो केंद्र और राज्य को मानने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ना तो केंद्र ना राज्य संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन करने वाला कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर, अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि जो भी संविधान ने आर्डर दिया उसे मानना पड़ेगा केंद्र और राज्य को, तो अब यहाँ पे केंद्र गुस्से में आ जाए, सरकार गवर्नमेंट गुस्से में आ जाए कि भाई मेरी बात यहाँ पर नहीं मानी गई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कानूनी बदल देता हूं ताकि मेरी बात मानी जाए, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब वो नया कानून ऐसा नहीं बना सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ और देख ले, कोई अधिकांश संघों में ऐसे प्रावधान है जिससे केंद्र और राज्यों द्वारा एक तरफा तरीके से संविधान को परिवर्तित करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो लिखित संविधान होना यहाँ पे जरूरी है, और लिखित संविधान है भी। फिर न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, संविधान का कानूनी वर्चस्व है, हमने कहा संविधान सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, और जो एक संघीय प्रणाली का आवश्यक लक्षण भी है, ठीक है ना। तो यह आवश्यक बनता है कि जो संघीय सरकार और राज्य सरकारें हैं दोनों के ऊपर निकाय हों जो यह तय करें कि उन्हें दी गई शक्तियों के भीतर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर एक ऐसी समिति या निकाय होनी चाहिए जो उन पर नजर रखे और उन्हें ये तय करे कि जो उनको शक्तियां दी गई हैं वो उसी के अंदर काम कर रहे हैं, कहीं उनके बाहर तो काम नहीं कर रहे हैं। तो संविधान की व्याख्या करने का कार्य आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, न्यायिक समीक्षा में सर्वोच्च न्यायालय आ गया, संविधान हम बार बार कहते हैं तो संविधान का मतलब सर्वोच्च न्यायालय से, और यह सर्वोच्च न्यायालय
है जो केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले कानूनी विवादों का फैसला करता है। जनरली देखिए ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कर्नाटक और तमिलनाडु का, ले लीजिए पानी का कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर। तो क्या है, वो हाई कोर्ट पे गया था और जो संविधान ने निर्णय दिया वो राज को मानना पड़ेगा। तो ये किसी भी अधिनियम या कानून को असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। और यदि वह संविधान एवं उसकी आत्मा के खिलाफ जाता है तो कुछ मामलों में कार्य एक स्वतंत्र निकाय को सौंपा जाता है, जब समिति वगैरह बिठाई जाती है। स्वतंत्र निकाय यानी एक समिति बिठाई जाती है, एक आयोग गठन किया जाता है जो स्वतंत्र होता है, किसी के बहकावे में, किसी के पक्षपात में, किसी की तरफ नहीं होता है। और लंबे समय तक कनाडाई संविधान से संबंधित यह कार्य इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल द्वारा किया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनों की संवैधानिक वैधता तय करने की शक्ति को न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहा जाता है। तो न्यायिक समीक्षा, जैसे मैंने कहा, ये न्यायिक समीक्षा है। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कानूनों की संवैधानिक वैधता होती है, कानूनों का वैधता का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए हिंदी इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, वैलिडिटी जो होती है, एक पक्ष होता है, एक निष्पक्षता, वैधता, वैलिडिटी, वो तय करने की शक्ति को न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहा जाता है। ठीक है, फिर संघवाद की बदलती प्रकृति अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गए, ये हो गया विशेषता। ठीक है ना, विशेषता ही तो है। अब हमारा आ गया संघवाद की बदलती प्रकृति, तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है ना, ओके, तो इसे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम उसे लेंगे सिर्फ। ठीक है, ओके। एकात्मक व्यवस्था को अब समझ लेते हैं। हमने संघीय व्यवस्था समझा, तो संघीय व्यवस्था क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, फिर ये भारत में इसका विकास कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या क्या हमने ये देखा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एकात्मक व्यवस्था की एकात्मक व्यवस्था क्या कहलाती है। ठीक है ना, तो चलिए अब यहाँ पे एकात्मक व्यवस्था देखिए। संघीय व्यवस्था में क्या था, राज्य सरकार क्षेत्रीय सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता था, तो संघीय व्यवस्था हो गई। अब एकात्मक व्यवस्था क्या होगी, तो एकात्मक व्यवस्था संघीय व्यवस्था की तुलना में बहुत पुरानी है। ठीक है ना, ओके, राइट, ये बहुत पुरानी व्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, राइट, चलिए, ओके। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे पहले ही कहा गया कि आधुनिक एकात्मक व्यवस्था पदचिह्नों को सामंतवाद के पतन और यूरोप में पूर्ण राजशाही के उदय से लगाया जा सकता है। यानी जो एकात्मक व्यवस्था है वो कब हुई, सामंतवाद का जब पतन हो गया और यूरोप में पूर्ण राजशाही जब आ गई तभी से एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक का मतलब एक एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति होना, और यह राजा और उसके मंत्रियों के राजनीतिक शक्ति के रूप में के केंद्र में उभरने लगे। यानी मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति होना, एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति के होने का मतलब राजशाही, राजशाही का मतलब राजा का। इंग्लैंड में आज भी एकात्मक व्यवस्था हो गया, आई थिंक इसमें शायद हम आगे चल के पढ़े, आई थिंक मेरा ये ओपिनियन है, अभी आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर उस संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत को थॉमस हाफ्स और जीन बोडिन के द्वारा आगे बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने राजनीतिक वर्चस्व का दावा किया। 19वीं शताब्दी के बाद से राष्ट्रवाद की विचारधारा ने विविध क्षेत्रों या लोगों को एक प्रभुत्व यानी कमान या आदेश के अंतर्गत एकीकरण करने की मांग की। तो 19वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ कि जब लोगों में देश में राष्ट्रवाद की विचारधारा आई तो लोगों को एकत्र करने का काम किया गया। ठीक है ना, एक प्रभुत्व के अंतर्गत यानी एक आदेश से, मतलब कोई एक आदेश पारित कर दे तो उसका पालन सबको करना जरूरी है। तो उस कमान या आदेश के अंतर्गत एकीकरण करने की मांग हुई और आगे चलकर इस प्रभुत्व को और मजबूत बनाया गया, जैसे कि राष्ट्रों को आम भाषा कभी कभी धर्म के साथ संयोजन के आधार पर संगठित किया जाता है, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, हॉलैंड और अन्य यूरोपीय राज्य राष्ट्र राज का प्रादुर्भाव हुआ और इन सभी राज्यों में सरकार का एकात्मक रूप था, हालांकि उनके बीच शक्ति में केंद्रीकरण की सीमा भिन्न थी। तो मैंने कहा ना जैसे आपसे कि इंग्लैंड, इसलिए कि एलिजाबेथ वहां की महारानी थी। ठीक है ना, तो क्या हुआ, एकात्मक शक्ति वहां पे थी, एक व्यक्ति की शक्ति यानी व्यक्ति विशेष की वहां पे शक्ति देखने को मिली, क्योंकि वो राजशाही परिवार का। तो जहां जहां पे राजशाही वंश आज भी चल रहे हैं, वो सत्ता संभाल रहे हैं, वहां एकात्मक जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो एकात्मक व्यवस्था की मूल विशेषताएं देख लेते हैं। तो एक राजनीतिक प्रणाली है जहां शक्तियों का मतलब जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है, एक केंद्र की सत्ता चाहे एक गणतांत्रिक सत्ता है सम्राट में निहित किया जाता है। यानी कि जो जहां मतलब यह एक राजनीतिक प्रणाली जहां शक्तियों का केंद्रीकृत एक सत्ता में निहित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सत्ता होती है वो किसी एक में, यानी जैसे यहाँ कहा ना कि सम्राट में यानी राजा में नहीं हो सकती है। तो निचले स्तर की शक्ति को हस्तांतरित कर सकता है या नहीं कर सकता, और जो स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय स्वायत्ता के लिए प्रदान कर सकता है।
तो सरल शब्दों में कहें, सरकार के एकात्मक रूप में सभी अधिकार केंद्रीय सत्ता में निहित होते हैं, और केंद्रीय स्तर पर सरकार के तीन अंगों के बीच शक्ति का अलगाव हो सकता है, लेकिन केंद्र और भौगोलिक उप इकाइयों के बीच शक्ति का कोई विभाजन नहीं होगा। तो एकात्मक सरकार में क्या होता है कि जो अधिकार होते हैं वो केंद्रीय सत्ता में निहित होते हैं, मतलब किस में निहित होते हैं, मेन एक केंद्र में, उसके अलावा राज्य वगैरह की कोई सत्ता नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ केंद्र में भी है, राज्य के भी अपने अपने अधिकार है, लेकिन वहां ऐसा एकात्मक में नहीं होता, सिर्फ एक केंद्र की सत्ता होती है, पूरे अधिकार पूरी शक्तियां उसको मिली हुई होती हैं। अब सरकार के जो तीन अंग होते हैं उनके भी शक्तियों का अलगाव हो सकता है, क्या न्यायपालिका है ना, कार्यपालिका, विधायिका, इनमें शक्तियों को बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र में, केंद्र भौगोलिक क्षेत्र, वही मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था, कभी इसमें वो अंतर भी पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है, आप क्या समझते हैं। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि भौगोलिक क्षेत्रों का बंटवारा राज्य और केंद्र सरकार के बीच में होता है, यानी कि राज्य सरकार को भौगोलिक क्षेत्र दिए जाते हैं, राज्यों का गठन होता है, और एकात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है, भौगोलिक जो क्षेत्र होते हैं उनको कोई भी शक्ति नहीं दी जाती है, ठीक है ना, पूरा पूरी जो शक्ति होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उप इकाइयों के पास कोई शक्ति नहीं होती, यदि केंद्र सरकार द्वारा पूरे राज्य को स्वयं से संचालित करना कठिन हो जाता है तो निचले स्तर की शक्ति का वितरण कर सकती है, शक्ति नहीं होती है। लेकिन सपोज दैट, मान लीजिए केंद्र सरकार कहती है कि मैं इतने बड़े स्टेट को, सॉरी इतने बड़े देश को कैसे संभाल सकता हूं, तो फिर वो क्या करती है कि राज्य को मतलब की शक्तियां प्रदान कर सकती है, ठीक है। इस प्रकार स्थायी या क्षेत्रीय स्तर पर उप इकाइयों को हस्तांतरित शक्ति स्थायी नहीं होती है, तो जो उनको शक्तियां दी जाती हैं उप इकाइयों को, वो जो शक्ति होती है स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है, ठीक है ना, कभी भी केंद्र सरकार उनको वापस ले सकती है। हमारे राज्यों के पास स्थायी शक्तियां दी गई क्योंकि संघीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो कोई औचित्य बताए बिना भी केंद्र द्वारा किसी भी समय शक्ति को वापस लिया जा सकता है बिना कारण बताए। इसका कारण यह है कि उप इकाइयां अपनी शक्तियां संविधान से नहीं बल्कि केंद्रीय विधायिका के अधिनियमों से प्राप्त करती हैं, क्योंकि उप इकाइयों का मतलब जो राज्य को शक्तियां वहां मिली हुई हैं वो संविधान से नहीं मिली हैं बल्कि सरकार से मिली हुई हैं। और हमारे यहाँ एकात्मक व्यवस्था में और संघीय व्यवस्था में, हमारे भारत देश में जहां जहां संघीय व्यवस्था है वहां पे जो शक्तियां हैं उनको संविधान से मिली हुई, तो इस तरह से आपको यहाँ पे इनको वो अंतर करना होगा, ठीक है ना, ठीक है, ओके। एक एकात्मक व्यवस्था का संविधान कठोर संविधान नहीं है, संविधान में संशोधन करने की शक्तियां केंद्रीय सत्ता के पास निहित होती है, जो भी केंद्र में होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई राजा विशेष हो। जनरली एकात्मक शक्तियां नौकरशाही में पाई जाती है जहां पे राजा लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी एकात्मक शक्तियां जो चुन के लोग आते हैं उनके पास भी होती है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम में एकात्मक राज्य व्यवस्था और कोई लिखित संविधान नहीं है, और इनके अलावा संसद जो संप्रभु है के पास कानून बनाने की सीमित शक्तियां हैं, ठीक है। तो यदि विधायिका की शक्तियों पर कोई सीमा है तो केवल स्थायी स्वायत्तता के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को संरक्षित करना होता है। तो ये हो गई एकात्मक प्रणाली, ठीक है, ओके। थोड़ा सा देख लेते हैं अब, ये जो एकात्मक प्रणाली है ना, इसके दो मॉडल की पहचान की गई है। जैसे हमने संघात्मक में तीन देखा था ना, तीन स्वरूप देखे थे, इसमें दो हैं, पदानुक्रमित और अवयवी मॉडल। पदानुक्रमित मॉडल क्या होता है, यह एक पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है। पिरामिड कैसे होता है बताइए, नीचे चौड़ा, फिर ऊपर सकरा, फिर सकरा, फिर सकरा, चौड़ा, फिर सकरा, फिर सकरा, फिर सकरा, फिर सकरा, इस तरह का पिरामिड होता है ना। तो इसमें जिसमें शीर्ष स्तर पर केंद्रीय सत्ता प्रतिनिधित्व करती, सबसे ऊपर जो है केंद्रीय सत्ता होती है, यानी इस तरह से आप पिरामिड एक बना सकते हैं, ठीक है ना, ओके। और जिसमें प्रमुख और अधिकांश निर्णय लेने की शक्तियां, पता है एकात्मक प्रणाली में यही तो होता है, तो पदानुक्रमित में यही होता है कि जिसमें पूरी शक्तियां जो होती हैं शीर्ष पर केंद्रीय सत्ता होती है, पूरी जो शक्तियां होती हैं निर्णय लेने का जो अधिकार होता है केंद्रीय शक्तियों के पास होता है, और निचले स्तर पर सिर्फ कुशल प्रशासन और सत्ता के संगठन होती विकेंद्रीय की शक्तियां होती हैं। तो जो इनका निचला स्तर जो होता है वहां पे शासन को चलाना, और कुछ शक्तियां जो है वो दी गई है जो बहुत मामूली है और जिन्हें केंद्र सरकार चाहे तो वापस भी ले सकती है। तो फ्रांस पदानुक्रमित एकात्मक प्रणाली का एक उदाहरण है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी ओर एकात्मक प्रणाली का अवयवी मॉडल क्या कहलाता है, तो केंद्र और परिधि के बीच संबंध के रूप में दर्शाया गया, मतलब सभी सत्ता केंद्र के मूल में केंद्रित है और परिधि की भूमिका केंद्र पर निर्भर करती है। तो कुछ
कुलीन तंत्र लॉ कानून जो है प्रतिनिधित्व करता है, जहां शक्ति केंद्रीय सत्ता के पास होती है और जो स्थिति के आधार पर परिधियों को कुछ मात्रा में शक्ति दे सकती है, और ये प्रतीत हो सकता है कि परिधि में महत्वपूर्ण शक्ति परिधि ऑलवेज बीच की होती है, तो लेकिन वास्तव में शक्ति का स्रोत और अधिकार लेवल केंद्र में होता है, तो ये हो जाता है अवयवी मॉडल। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नजर आपके लिए मैंने कर दिया है, ठीक है ना, यदि आए तो आपसे बन जाए। एक संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता है कि असंघवाद के स्वरूप का विकास होता रहा है, टिप्पणी करिए, तो बिल्कुल होता रहा है। एकात्मक व्यवस्था क्या है ये भी देख लीजिए, संघीय तथा एकात्मक व्यवस्था में अंतर लीजिए। आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए जो आपका है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर रखना है, संघीय एकात्मक व्यवस्था में अंतर। हालांकि अभी मुझे लगता है जो मैंने पढ़ाया है तो अंतर आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं बताते हुए भी चल रही हूँ, ठीक है ना। कुछ विभिन्नताएं भी इनमें पाई जाती हैं दोनों प्रणालियों में, ठीक है ना। कार्य जो इनके कार्य करने के तरीके होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जो अगर हम मतभेद देखें या इनमें हम अंतर देखें क्या है, सबसे पहला शक्ति का स्रोत है, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं, शक्ति का स्रोत कैसे है। तो एक संघीय प्रणाली के मामले में घटक इकाइयों में अपने श्रम की शक्ति को अच्छी तरह से परिभाषित किया संघीय प्रणाली में, यानी जिसे कि केंद्र द्वारा उन्हें नहीं सौंपा गया बल्कि उनमें निहित है, यानी जो संघीय प्रणाली की शक्ति है वो केंद्र के द्वारा नहीं सौंपी जाती है, दोनों को आधी आधी बांटी गई है, ठीक है ना। तो संघ की घटक इकाई के लिए शक्ति का स्रोत संविधान है, ना कि संघीय सरकार। तो यहाँ पे शक्तियां जो हो वो केंद्र को भी और राज्य को भी दोनों को कहाँ से मिलती हैं, संविधान से मिलती हैं। लेकिन वहीं पे एकात्मक प्रणाली में क्या होता है कि शक्ति का मुख्य अधिकार केंद्र के अधिकार जो होता है केंद्र सरकार के पास होता है। मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, शक्ति का मुख्य अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है और शक्ति निचली इकाइयों को तो दी जाती है लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस भी ले सकती है। तो संघीय प्रणाली में शक्ति का केंद्र कौन होता है, संविधान होता है, और शक्तियां जो होती हैं राज्य और केंद्र सरकार में दोनों में निहित होती हैं, दोनों में बंटी होती हैं, दोनों को लिखित शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। लेकिन एकात्मक प्रणाली में मुख्य अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है और जो निचली शक्तियां जो शक्तियां होती हैं निचली इकाइयों को दी जाती हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जरूरत पड़ने पर उन्हें वापस भी लिया जा सकता है। तो निचली इकाइयों के लिए शक्ति का स्रोत संविधान के बजाय यहां पर केंद्रीय सत्ता है, ठीक है। तो शक्ति का स्रोत हो गया। शक्ति की प्रकृति, संघीय प्रणाली में शक्ति घटक इकाइयों के अंतर्निहित होती है, यानी कि एक स्थायी प्रकृति है तथा संघीय सरकार उनके द्वारा ठुलमुल रवैया अब रुषो के आधार पर ना तो उनमें परिवर्तन किया सकता है और ना ही वापस लिया जा सकता है। मतलब जो व्यवस्था है, जो कानून बनाया गया है, सॉरी जो शक्तियां दी गई हैं वो कानून के माध्यम से दी गई हैं, तो वो बनी बनाई हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार संघीय प्रणाली के बजाय केवल शक्ति हस्तांतरण करके शक्ति साझा की जाती है, ठीक है ना। और इन इकाइयों को शक्ति की गारंटी संविधान द्वारा दी जाती है और केवल संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत ही पूर्व सहमति से परिवर्तन किया जाता है। जो एक नियम है किसी भी कानून को बनाने का, परिवर्तन करने का, उसी के माध्यम से ही परिवर्तन किया जाएगा, यानी कानून का पालन करते हुए। जबकि जो एकात्मक सरकार होती है वहां पर सरकार में जहां हस्तांतरित या विकेंद्रित की गई शक्ति स्थायी प्रकृति की नहीं होती है, यानी इसे केंद्र सत्ता द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे वापस लिया जा सकता है, ठीक है ना। यही है इसमें अंतर, और बिना निचली इकाइयों की सहमत लिए। तो यहाँ पर निचली इकाइयों का मतलब होता है, अगर मान लीजिए राज्य सरकार वहां पे, तो राज्य सरकार को जो अधिकार दिए गए हैं वहां की केंद्र सरकार देती है, और जरूरत पड़ने पर ना पड़ने पर बिना मतलब में भी वो शक्तियां वापस ले सकती है, बताने की भी जरूरत उसको नहीं है। तो जो पूरी शक्ति किस पे केंद्रित है, केंद्र सरकार पे केंद्रित है, ना कि संविधान पे। और इसके अलावा केंद्रीय और निचली इकाइयों के बीच एक पदानुक्रमित संबंध होता है जो पूर्व के अधीनस्थ होता है, ठीक है। तो संघीय प्रणाली में घटक इकाई की शक्ति और स्थायी है, एकात्मक प्रणाली में अस्थायी होती है। तो आप ये भी इस तरह से अगर लिखना चाहें, आप हेडिंग नहीं डालना चाहते हैं अंतर में, तो आप इस तरह से भी अंतर लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहला दिया शक्ति का स्रोत, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि संघीय प्रणाली में संविधान के पास शक्तियां होती हैं और एकात्मक प्रणाली में केंद्र के पास शक्तियां होती हैं। कि दूसरा आप हेडिंग बना सकते हैं कि संघीय प्रणाली में घटक इकाई की शक्ति स्थायी होती है और एकात्मक प्रणाली में अस्थायी होती है, ठीक है ना। क्षेत्रीय सीमांकन देख लेते हैं, यानी भौगोलिक सीमांकन जो होता है। तो एक संघीय प्रणाली के मामले में जब इकाइयां विभाजित होती हैं या विभिन्न इकाइयां एक साथ आती हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य विविधता को इकट्ठा करना, समायोजित करना होता है, ठीक है ना। और जबकि दूसरी ओर एक क्षेत्र को एकात्मक प्रणाली में छोटी इकाइयों में सीमांकित किया जाता है, तो मुख्य उद्देश्य क्षेत्र पर प्रभावी शासन करना होता है एकात्मक प्रणाली में, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ये इस तरह से हम मान सकते हैं कि विविधता को समायोजित करना होता है किसमें, संघीय प्रणाली में, और एकात्मक प्रणाली में क्या करना होता है, सीमांकित करना होता है, एक सीमा बना दी जाती है। तो संघात्मक प्रणाली में क्या करना होता है, संघात्मक प्रणाली में क्या करना होता है, संघात्मक प्रणाली में विविधता को समायोजित करना होता है और एकात्मक प्रणाली में सीमांकित करना होता है, ठीक है। फिर विकेंद्रीकरण बनाम गैर केंद्रीकरण, ये क्या है, ये मैं इंपॉर्टेंट अभी नहीं मानती हूँ, ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। विकेंद्रीकरण मैंने कहा ना कि शक्तियां जो होती हैं केंद्र सरकार से निचले स्तर पर देना, ठीक है ना, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं, इसमें निचले स्तर की प्रशासनिक इकाइयों के ज्यादा प्रभावी शक्तियां होती हैं। तो मैंने कहा ना कि केंद्र सरकार जो होती है वो अपने पास पूरी शक्तियां नहीं रखती है, वो अपने निचले स्तर पर भी शक्तियों का प्रदान करती है, हस्तांतरण, शक्तियों का हस्तांतरण विकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए बन जाती है संघीय व्यवस्था, और इस तरह से ये यूनिट जो है ये फिनिश्ड भी हो चुकी है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एकात्मक संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, समझाइए। संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। भारत एक संघीय व्यवस्था है, कैसे, एक्सप्लेन करिए संघीय व्यवस्था की व्यवस्था है वो विशेषताएं क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो ही है, भारत एक संघीय व्यवस्था है कैसे वो समझाना, और संघीय एकात्मक व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी ग्रुप है व्हाट्सएप पे, फेसबुक के, सभी जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छे चलते हैं ना, तो वीडियो बनाने का मन करता है। बहुत से हमारे से वीडियो जो हमने एक एक दो दो बना के छोड़ दिए, रीजन यही है कि वीडियो चलते नहीं है तो फिर बनाने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है ना। और कोई क्वेरी है, कोई कमेंट्स है, आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ में हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, टेक केयर, बाय।